हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बेसिकली इस वीडियो में हम एक फ्लड लाइट का पूरा प्रोसेस जो है कैसे बनाते हैं वो मैं दिखाने वाला हूँ, असेंबली बेसिकली। सो ये जो फ्लड लाइट है वो ये है, ये 50 वॉट की फ्लड लाइट है, 50 वॉट 1250 मिली एम्पेयर पे ऑपरेट करती है। इसके अंदर जो ड्राइवर लगाया है 1250 मिली एम्पेयर का ड्राइवर है। सो अभी हम करेंगे क्या, पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ। ये आपकी 1.5 mm की, मतलब 1.5 mm की MCPCB है, जो इसकी थिकनेस है वो 1.5 mm है। और इसमें हमने क्या किया है कि ये 4 सीरीज है और 15 पैरेलल है, 4 सीरीज 15 पैरेलल की एलईडी है। 2835 का जो एलईडी का साइज है वो 2835 है, और इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको हम पूरा कनेक्शन करेंगे आगे चल के। तो चलिए अब हम अपने सेटअप पे चलते हैं और इसको असेंबल करना शुरू करते हैं। अभी हम एक फ्लड लाइट बनाने वाले हैं, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले पीसीबी देखी थी। सो ये 50 वॉट की जो एलईडी पीसीबी है, ठीक, और ये 50 वॉट की हाउसिंग है। सो ये पूरी फ्लड लाइट का पूरा मटेरियल है जो भी हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। और ये अपना 250 mA 1250 mA का ड्राइवर है 50 वॉट में, ठीक। तो ये ड्राइवर हम यूज़ करेंगे, उसके साथ ये पीसीबी है, ये पीसीबी हम यूज़ करने वाले हैं। उसके साथ इसमें जो स्क्रूज लगने वाले हैं या फिर पेच लगने वाले हैं वो सब हैं इधर अवेलेबल। सो चलिए हम इसे असेंबल करते हैं पहले, ठीक है, और उसके बाद देखते हैं आउटपुट में कैसा दिखता है। सो अभी हम पहले RTV ले रहे हैं, जो कि हम इसमें पेस्टिंग करेंगे ड्राइवर की। तो ड्राइवर की पेस्टिंग के लिए देखो, इधर ये जो अर्थिंग की वायर है, इधर भी स्क्रूज दिए हुए हैं कि आप इधर कस सकते हो इसको, ठीक है, अर्थिंग की वायर को। और बाकी इधर MCPCB लगेगी आपकी, जो कि मेटल कोर PCB है, जो भी मैंने आपको समझाया था कुछ इस तरीके से। अब इसमें क्या है कि इसमें जब ये चलेगा तो इसमें बहुत होगी हीट, और हीट को रिड्यूस करने के लिए है थर्मल पेस्ट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अभी हम इसको पहले, ये जो आपका ड्राइवर है इसको कर लेते हैं, और इसको पानी ना जाए, ये वाटर प्रूफिंग रहे, इसलिए हमने इसमें ग्लैंड का यूज़ किया है। सो मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, निकालने के बाद मैं इस पर थोड़ा सा फैला दूंगा ऐसे, ठीक। ऐसे फैलाने के बाद अब मैं थोड़ा सा इस पर भी लगा देता हूँ, जो भी इसका बचा बचा है थोड़ा सा, ठीक। और उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख देंगे, इसमें ऐसे पूरा लगा के ऐसे इसको रख देंगे यहाँ पे, इसकी सूख जाए थोड़ा सा। मैंने थोड़ा ज़्यादा लगाया, आप चाहो तो थोड़ा सा कम लगा सकते हो, लेकिन ठीक है। और ये जो इसका गैस किट है, गैस बेसिकली रबड़ है जो इसमें वाटर प्रूफिंग के लिए काम करेगा, उसको इस तरीके से डालें एंड इसको कस देना है हमें। देखिए अभी मैंने वायर इसमें इंसर्ट नहीं करी, पहले मैं इसको कस दे रहा हूँ। सो इससे क्या होगा कि हमारी वायर ना मुड़ेगी नहीं। जनरली क्या होता है, कुछ लोग करते हैं कि इसके साथ पहले इसको डाल देते हैं फिर उसके बाद कसते, तो वो गलत है, वो ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। एंड ये हम इसमें ऐसे अब इसको लगा देंगे, ये हमने लगा दिया। अब इसमें जो ये रबड़ है ये भी हम इसमें इंसर्ट कर देंगे, ये वाली रबड़, ठीक है। एंड रबड़ लगाने के बाद ये इसका जो कैप है ये भी हम इसमें लगा देंगे। ठीक, ये ऑलरेडी ड्राइवर टेस्टेड है, सो उसकी रिक्वायर्ड नहीं पड़ेगा कि आपको चेक करना है, नहीं थोड़ा और बड़ा करना है तो कर सकते हो आप इधर से, ठीक। तो इस तरीके से जब तक ये हो रहा है, उसी के साथ साथ हम थोड़ा सा इसमें थर्मल पेस्ट लगा के MCPCB पे कम कर देंगे। सो हमारे पास है थर्मल पेस्ट लगाने के लिए ये इक्विपमेंट, इससे ले लेंगे एंड पूरे अच्छे से आपको पूरी पीसीबी पे लगा लेना है। चाहे तो कोई आपका पीसीबी का एक्स्ट्रा पीसीबी पड़ी हो, ख़राब पीसीबी पड़ी हो, उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो उससे भी अच्छे से लग जाएगा ये। और आपको ये सामान चाहिए या फिर रॉ मटेरियल चाहिए या फिर बल्क में भी चाहिए, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे वेबसाइट का लिंक है हमारे और व्हाट्सएप का नंबर है,
सो उसमें भी आप कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। ओके सो मैंने इसे अच्छे से लगा लिया है। जनरली ये 1 TC का आता है और 2 TC का आता है, तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने वाटेज का प्रेफर कर रहे हैं, सो उसके हिसाब से अलग अलग TC's के आते हैं। सो वो चीज़ें हैं एंड हम इसमें इसको ऐसे प्लेस कर लेंगे। पूरे प्रॉपर जो होल है वो होल्स आपको प्रॉपर मैच कर लेने हैं, ठीक है, उसके बाद ही आप इसको प्लेस करें, तो इधर उधर फैलेगा नहीं फालतू का, ठीक। तो आप ये रेड वाला जो है पॉजिटिव में जाएगा, ठीक, और ये ब्लू वाला नेगेटिव में। सो इसी हिसाब से आपको करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ध्यान रखना, नहीं तो आपकी PCB जो है MC PCB वो ख़राब हो जाएगी और ड्राइवर भी ख़राब हो सकता है, शॉर्ट हो जाएगा बेसिकली, अगर गलत पॉलिटी रही तो शॉर्ट हो जाएगा, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको पहले ना चेक कर लेंगे जो हमने कनेक्शंस किए हैं वो सही हैं कि नहीं है। सो एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, यहाँ से ये बॉल्स हटा देता हूँ जो सोल्डरिंग बॉल्स हैं, ठीक है। अभी उसके बाद हमारे पास सीरीज़ जो है, सीरीज़ हमने जो बना रखी है उसको लेंगे। आप भी सीरीज़ बना सकते हो, बहुत ही ईजी है, तो ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, आप इजीली घर पे बना सकते हो। मैं इसे ऑन कर लेता हूँ एंड अभी इस फ्लड लाइट को टेस्ट करेंगे इसमें कनेक्शन करके। सो केयरफुल रहना, ये 240 वोल्ट्स का AC है, सो इसमें केयरफुल रहना, और अगर आप छोटे हो तो यूज़ मत करना, जनरली किसी अपने बड़े के साथ, या फिर अगर आप पूरी प्रॉपर सेफ्टी के साथ करना, हमने भी शूज पूरे प्रिकॉशंस ले रखे हैं, उसके बाद ही कर रहे हैं हम चीज़ें, और हमारा जो ये है मैट वगैरह प्रॉपर हम रूल फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद ही कर रहे हैं प्रोटेक्शंस जो भी हैं, ठीक। अभी हम इसको ऑपरेट करेंगे एंड इसमें आप देखोगे तो ये लाइट ऐसे जल जाएगी, ठीक है। अब देखो ये प्रॉपर एकदम रोशनी कर रही है, ऊपर की तरफ दिखाना, देखो आप इस तरीके से प्रॉपर लाइटिंग है ना। अभी मैं इसको बंद कर लूँगा, एंड बंद क्यों करूँगा, क्योंकि अभी हमने टेस्ट कर लिया कि हमारे जो भी कनेक्शंस हैं वो सारे बढ़िया हैं, ठीक है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसको अभी कसने की बारी है, मतलब कि जो कसेंगे तो इसको हमें कसना प्रॉपर, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है कि आप नॉर्मली इसे कसो, ठीक, और दूसरा आपके पास मशीन होगी तो मशीन से भी आप कस सकते हो। मैं एक बार पहले सारे स्क्रूज लगा लेता हूँ, फिर उसके बाद हम जल्दी से इसको कस लेंगे। ठीक, अभी जो अर्थिंग का है, अर्थिंग का भी वायर हम इधर कस देंगे, जैसे कि क्या होगा कभी कभार अगर मान लो करंट लीकेज भी होता है तो वो पास थ्रू हो जाए बॉडी के, बॉडी से, बॉडी में अगर करंट लीकेज भी होता है तो वो पास हो जाए, तो शॉक का जो चांसेस है वो कम से कम रहे, ठीक। इस तरीके से हमने प्रॉपर चीज़ें कर दी हैं। आप चाहो तो इस पे भी आप ये जो RTV है वो लगा सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लगाओ, क्योंकि मान लो कभी कभार आपको रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ी तो ये पूरा आपको काटना ही पड़ेगा, तो वो एक नुकसान है, तो उससे थोड़ा सा बच के रहना कि ना लगाओ इसको, क्योंकि इसमें इनफ है, क्योंकि इसमें गैसकेट इधर दी हुई है और इधर भी है, सो मेरे ख्याल से रिक्वायर्ड नहीं है कि आप लगाओ, बस थोड़ा सा टाइट कर देना जिससे कि ये बाहर ना निकले, और आप इसे ऐसे लटका सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हमने इतना कर लिया, अब इसके बाद इसको प्रॉपर थोड़ा सूख जाने देंगे, उसके बाद हम ये आगे करेंगे। सो अभी मैंने 15-20 मिनट के लिए रख दिया था, तो अब ये सूख चुका है, तो इसको प्रॉपर हम अरेंज कर लेंगे, मतलब कि आपको ऐसा करना है कि क्लीन रहे आपका पूरा चीज़ें, तो इस तरीके से देखो ये है, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, ये जो डिफ्यूज़र है बेसिकली ये रिफ्लेक्टर है, ठीक है, डिफ्यूज़र रिफ्लेक्टर आप कह सकते हो, ठीक। अब इसमें क्या है, एक साइड देखो ज़्यादा बड़ी है, एक साइड थोड़ी छोटी है, तो इसी तरीके से आपको लगाना है, इस पर प्लेस करना है, ठीक, तो ये प्रॉपर फिटेड हो जाएगा। अगर सही से नहीं लगाते हो तो ये ऐसे अलाइन नहीं रहेगा, ठीक है। अभी देखो प्रॉपर तरीके से आ चुका है ये, मैं अगेन इसको कस लूँगा यहाँ से, इसको थोड़ा हल्का रखना, नहीं तो अगर ज़्यादा टाइट कर दिया आपने तो बीच में उठ जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। अब जिसका रबड़ गैसकेट है वो भी हमें लगा देना, कि जिससे वाटरप्रूफ हो जाए पूरा अच्छे से, ठीक है।
तो इसका भी साइज़ होता है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आप उल्टा तरीके से लगाते हो तो वो फिट नहीं होता उसमें, ठीक है, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। देखो जैसे कि ये अभी बड़ा छोटा पड़ रहा है, ठीक है, तो इसको एक बार अगर बड़ा छोटा पड़े तो घुमा लेना चाहिए, तो उससे प्रॉपर साइजिंग में आ जाएगा। ठीक, अब इसका हम ग्लास लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा प्रॉपर, अगर ये मान लो नहीं फिट नहीं आ रहा है ऐसे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भाग रहा है, तो थोड़ा आप कुछ जो चिपका सकते हैं जैसे RTV हो गया यही लगा दो, या फिर आप LPVL का यूज़ कर सकते हो तो उससे भी सही हो जाएगा। मैं ग्लास ले लेता हूँ एंड ये ग्लास आपको क्लीन करना पड़ेगा, बिना क्लीन करे नहीं लगाओगे तो ज़्यादा सही रहे, मतलब बिना क्लीन करे ना लगाओ, नहीं तो इसमें क्या है कि पार्टिकल्स दिखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी और फिनिशिंग भी नहीं आएगी सही से। तो वो रीज़न है कि आप प्रॉपर क्लीन कर लो इसको, तो उसके बाद ही लगाओ आप, ठीक है। तो ये ऊपर से है अभी, हम इसको क्लीन कर देंगे तो उसके बाद ये सही दिखेगा, ठीक, इस तरीके से हो जाएगा। अंदर जो भी डस्ट वस्ट है वो आप क्लीन कर लेना, ठीक है, मैं अभी जल्दी में कर रहा हूँ तो इस वजह से नहीं कर रहा हूँ मैं क्लीन वगैरह जो भी है, बट हम इसको इस तरीके से रखेंगे एंड देखो ये प्रॉपर फिटिंग आ गई है। ठीक, अब उसके बाद हम इसे बैक साइड करेंगे। अब जिसमें स्क्रूज़ हैं वो लगा लेंगे, जितने भी स्क्रूज़ हैं इसके, ठीक, तो ये स्क्रू है, इसमें हम इसमें लगा देंगे एंड इसमें लगा देंगे एंड इसको इसमें इसको इसमें। सो आप चाहो तो अगर आप हार्ड वर्कर हो तो कर सकते हो, इससे कस सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, नहीं तो अगर आपको इस चीज़ से भी कर सकते हो आप। ठीक, तो ये इस तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको थोड़ा सा हम क्लीन कर लेंगे, आप थोड़ा सा सूखा कपड़ा लेना, ये वाला गीला कपड़ा है थोड़ा सा, तो नहीं होगा तो कोई जो थिनर वगैरह होता है उससे भी आप, ग्लास क्लीनर होता है उससे भी आप इसे क्लीन कर सकते हो, ठीक है, और तो प्रॉपर हो जाएगा। थोड़ा सा गीला है, एक मिनट मैं न्यूज़पेपर ले लेता हूँ थोड़ा सा। तो देखो अभी हम इसे ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। सो प्रॉपर इसका ये लाइटिंग है, ठीक, एंड ये इस तरीके से कुछ चलेगा। एंड कोई भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो, ओके, कमेंट सेक्शन में, और नीचे व्हाट्सएप नंबर है और वेबसाइट का लिंक भी है हमारे, तो आप चेकआउट कर सकते हो हम क्या क्या प्रोडक्ट्स रखते हैं और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं। तो हम IoT सर्विसेज, मतलब बेसिकली R&D सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं, सो यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।